हेलो स्टूडेंट्स, मैं रंजीता मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल कंप्लीट सॉल्यूशन बाय रंजीता मिश्रा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर के इनकम टैक्स जो बुक है उसमें इनकम फ्रॉम सैलरी ये टॉपिक हम लोग आज पढ़ेंगे। लेकिन इनकम फ्रॉम सैलरी क्यों कैलकुलेट करना होता है, इनकम टैक्स क्या है, इसको थोड़ा सा बताते हुए तब फिर हम लोग अपने टॉपिक पर आएंगे। देखिए, जो इनकम टैक्स यानी जिसको कि हिंदी में आयकर कहते हैं, ये एक केंद्रीय सरकार द्वारा यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक लगाया गया एक प्रत्यक्ष कर है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हर साल जब सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्रीय सरकार अपना बजट अनाउंस करती है, तो बजट अनाउंस करते टाइम उस वर्ष आने वाले मतलब मीन्स आगामी वर्ष में क्या क्या इनकम टैक्स में परिवर्तन होगा उसके बारे में भी अनाउंसमेंट करती है। इनकम टैक्स में जो सरकार की जो घोषणा होती है जो परिवर्तन के बारे में, उससे न केवल वेतन भोगी लोग यानी कि सैलरी पाने वाले लोग ही प्रभावित होते हैं, आम जनता प्रभावित होता है, बल्कि उससे शेयर मार्केट, पूंजी निवेश, बैंक जमा, जीवन बीमा व्यवसाय सभी प्रभावित होते हैं। यानी जब गवर्नमेंट आयकर की घोषणा करती है कि आयकर में क्या क्या, आयकर के प्रावधानों में, उसके रूल रेगुलेशंस में जब गवर्नमेंट चेंजेस करती है, परिवर्तन करती है, तो उसे आम नागरिक के साथ साथ बहुत सारी संस्थाएं, पूंजीपति, व्यवसायी सभी प्रभावित होते हैं। आयकर यानी कि इनकम टैक्स ये एक वर्ष में एक बार लगाया जाता है, यानी किसको कहें कि वित्तीय वर्ष के आधार पर इसकी गणना की जाती है। गत वित्तीय वर्ष यानी लास्ट जो आपका फाइनेंशियल ईयर बीता है उसके आधार पर इस पर इनकम टैक्स प्रेजेंट टाइम में लगाया जाता है। उसके लिए कर योग्य आय यानी कि किस पे, क्या हर किसी को इनकम टैक्स देना होता है? नहीं, उसके लिए प्रत्येक बजट सत्र में गवर्नमेंट एक मिनिमम राशि अनाउंस करती है कि कम से कम इतनी आय अगर होगी तभी आपको टैक्स देना है, अगर उससे कम आय आपकी है तो वो कर से मुक्त होती है, यानी कि उस पर आपको इनकम टैक्स नहीं देना होता है। तो ये कर योग आय का निर्धारण कैसे किया जाए, कैसे कैलकुलेशन करेंगे कि किसको इनकम टैक्स देना है, किसको नहीं देना है? तो कह रहे हैं आयकर यानी कि इनकम टैक्स प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, फर्म को, कंपनी को, सहकारी समितियां जो होती हैं उनको, ट्रस्ट को, सभी को देना होता है जिसके कि वित्तीय लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो गवर्नमेंट ने, जो केंद्र सरकार ने मिनिमम सीमा यानी कम से कम कितना इनकम आपका हो तो आपको टैक्स देना है, उससे अधिक यदि आप इनकम करते हैं तभी आपको टैक्स देना है। सपोज कि अगर सरकार कहती है कि इस वित्तीय वर्ष में 360,000 तक की जो आय है वो कर से मुक्त है, तो जो व्यक्ति 360,000 से ऊपर जो पाएगा उसी को टैक्स देना है। उससे जिसकी एनुअल इनकम 360,000 से अधिक होगी तो जितनी अधिक होगी सिर्फ उसी पे आपको टैक्स देना है, और जितना सरकार ने जितना परसेंट मतलब डिसाइड किया है उतने ही परसेंट देना है। क्योंकि ये जो दर है ना, ये प्रत्येक बजट सत्र में अलग अलग हो जाता है, सरकार इसको अलग अलग इस पे अनाउंसमेंट करती है। अब इसी में आइए कि कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है इनकम फ्रॉम सैलरी, या आपकी इनकम को किन किन भागों में बांट के उसको कैलकुलेट किया जाता है। क्या केवल वेतनभोगी लोग यानी जो जिनको सैलरी मिलती है उन्हीं को इनकम टैक्स देना पड़ता है? नहीं, देखिए, एक तो जो इनकम टैक्स का यानी कर का जो निर्धारण किया जाता है उसको सबसे पहले तो वेतन से आए, आपको सैलरी से कितनी इनकम हो रही है, मकान अगर है जैसे बिल्डर्स हैं या बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनके पास एक से अधिक मकान होता है, महानगरों में, शहरों में कई कई मकान लोग किराए पर लगाते हैं, तो उस मकान से जो उनकी इनकम होती है, मकान है या दुकान है जिसको भवन को अपना किराए पर लगा रखा है, उससे जो उनकी इनकम होती है वो भी यदि सरकार के द्वारा निर्धारित न्यूनतम आय से अधिक है कि कम से कम इतना हो तो आपको टैक्स देना, उससे अधिक आपका आ रहा है तो वो भी आपका करयोग्य आय में शामिल किया जाएगा। व्यापार या पेशे से
आप कोई व्यापार कर रहे हैं, आप कोई डॉक्टर हैं, कोई प्रोफेशनल है, वकील है, उससे भी आपने जो इनकम किया वो भी व्यापार और पेशे से आय में आ गया, पूंजी से लाभ या अदर सोर्सेज से इनकम। इसमें जो कर का निर्धारण करने का जो पहला टॉपिक है वो है वेतन से आय, यानी कोई व्यक्ति वेतन से आय सैलरी से कितनी इनकम गेन करता है, कितना आय प्राप्त करता है जहाँ पे वो कार्य कर रहा है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इनकम फ्रॉम सैलरी, और इसमें किन किन बातों का ध्यान में रखते हुए, क्या केवल जो हमें सैलरी मिलती है उसी को ध्यान में रखा जाता है या सैलरी के अलावा और भी चीज़ें शामिल की जाती हैं। देखिए, वेतन से आय का जो ये जो टॉपिक है, मीन्स इनकम फ्रॉम सैलरी, ये जो टॉपिक है इसमें कर्मचारी को उसके नियोक्ता यानी जो उसका ऑनर है, जिसके यहाँ वो जो जॉब कर रहा है, उससे उसकी सेवाओं के बदले में जो कुछ भी उसको प्राप्त होता है, यानी सब हम लोग कहीं जॉब कर रहे हैं तो हम लोग जो वहाँ पे अपना अपनी सेवा देते हैं उसके बदले में जो हमें हमारे जो जिस संस्था में कर रहे हैं वहाँ से उस संस्था की तरफ से उसके नियोक्ता की तरफ से जो कुछ भी हमें पारिश्रमिक हमारे काम के बदले में प्राप्त होता है वो वेतन होता है, जो कि आयकर के लिए वेतन जो शीर्षक है, शब्द है, उसमें नियोक्ता और कर्मचारी को दोनों को नगद पारिश्रमिक के अतिरिक्त जो सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं उन सबको भी शामिल किया गया है। जैसे बहुत सारी संस्थाएं हैं अपने एम्प्लॉय को वेतन के अतिरिक्त उनको आवास फ्री में देती हैं, यानी रेसिडेंस फ्री में देती हैं, उनके बच्चों का एजुकेशन फ्री में देती हैं, उनको मेडिकल फैसिलिटी देती है और कई प्रकार की सुविधाएं देती हैं, उनको बिजली की सुविधा है, उनको कई प्रकार की सुविधाएं देती हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं सबका वैल्यूएशन किया जाता है और सबको वेतन से आय में शामिल किया जाता है। ये जो हम लोग वेतन से आय यानी कि इनकम फ्रॉम सैलरी टॉपिक में कुछ मेन मेन जो इसके पॉइंट्स हैं वो मैं आपको क्लियर करते हुए फिर इसका पूरा डिटेल बताती हूँ। इसमें आपको ये समझना है कि वेतन से आय ये जो शीर्षक है इसमें जब भी हम लोग न्यूमेरिक करेंगे या कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें किन किन चीज़ों को इसमें शामिल किया जाएगा, वेतन से आय में किसको अदर सोर्सेस से इनकम में शामिल किया जाएगा, ये क्लियर होना चाहिए। तो देखिए, वेतन से आय में सबसे पहले तो आपकी जो वेतन है यानी जो सैलरी है जो आपको कैश में मिल रहा है, और कैश में किससे मिल रहा है, कैश इनकम कुछ भी हमें कहीं और से मिल गया, हमें एज ए गिफ्ट मिला तो उसको वेतन नहीं कहेंगे। जहाँ हम अपनी सेवाएं देते हैं अपने मतलब कि जो हमें जिससे इनकम हो रही है उसके और हमारे बीच में नियोक्ता और कर्मचारी का रिलेशन होना चाहिए, मतलब हम उनके एम्प्लॉय हैं, वो हमारे एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का उनके बीच में रिलेशन होना चाहिए। तो वहाँ से जो हमें हमारे काम के हमारे परिश्रम के बदले में जो कुछ भी प्राप्त होता है वो वेतन कहलाता है, वो वेतन शीर्षक में आता है। विदेशी सरकार से प्राप्त वेतन तथा पेंशन, अगर किसी अदर कंट्री से भी आपको कोई इनकम मिल रही है तो उसको भी वेतन में सैलरी में इंक्लूड किया जाएगा। वेतन से प्राप्ति करें कि यदि जो वेतन है अग्रिम प्राप्त हो, या मीन्स एडवांस में आपने सैलरी ले ली, या फिर आपका कुछ पीछे का लास्ट ईयर का या उसके पहले का आपको इंक्रीमेंट मिलना था और उस टाइम नहीं मिला किसी रीजन से, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारे लोग होते हैं उनको बाद में मिलता है, जैसे कई वर्षों का जो इंक्रीमेंट था वो उस टाइम नहीं मिला, इकट्ठा एक साथ मिला, तो उसको आप कहें कि पुराना बकाया वेतन वो अगर उस पे पहले टैक्स नहीं काटा गया है और वो आपको इस साल मिला है तो इस बार उसको भी सैलरी में ही शामिल किया जाएगा। एक तो सैलरी आपकी हो गई जो आपको कैश हर महीने मिलती है, वो नियमित रूप से रेगुलर आपको मिलती है, एक वो हो गया। उसके अलावा यदि आपको किसी दूसरे कंट्री से भी अगर आपको कहीं से कोई सैलरी आ रही है उसको भी वेतन में शामिल किया जाएगा। यदि आपने कुछ सैलरी एडवांस में लिया है या लास्ट ईयर का उसके पहले के किसी वर्ष का आपको इस वर्ष प्राप्त हुआ है उसको भी वेतन में शामिल किया जाएगा। वेतन अर्जित होने का स्थान, कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पे इंडिया में हम जॉब कर रहे हैं, यहाँ पे हमको सैलरी मिलती थी तो हम भारत सरकार को टैक्स देते थे, लेकिन कई बार
यहाँ पे हमने जॉब किया, हमको सैलरी यहाँ मिलने का टाइम हुआ, तो उस टाइम हम यहाँ इंडिया में नहीं थे, हम भारत से कहीं बाहर किसी दूसरे देश में थे। यहाँ हमने काम किया और यहाँ काम करने के बदले जो हमें वेतन मिलना था वो हमें दूसरे देश में घूमने गए या किसी भी रीजन से दूसरी कंट्री में वहाँ प्राप्त हुआ, तो उसका पे टैक्स कहाँ देंगे? उस पर अपने देश में देंगे या जिस देश में प्राप्त हुआ वहाँ देंगे? नहीं, उस पर भी टैक्स अपने ही देश में भारत में ही आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वो भारत में अर्जित आय थी। भारत में आपने जॉब किया, भारत में काम किया और यहाँ पे काम करने की वजह से आपकी वो इनकम हुई, तो इसलिए वो भी आपके सैलरी में इंक्लूड किया जाएगा, उसको भी उसी में शामिल किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी आपकी इनकम है, जिससे भी आपको धन प्राप्त हो रहा है, नगद राशि प्राप्त हो रही है, उसके जो आपको दे रहा है, उसके और आपके बीच में मालिक और कर्मचारी का, नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध होगा, तभी उसको वेतन कहा जाएगा। कुछ ऐसे सेक्टर हैं जैसे जिनको आय तो मिलता है, उनको मंथली इनकम तो मिलती है, लेकिन वो उनका वेतन नहीं कहा जाता है। जैसे जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, जो मैनेजर हैं, जो अभिकर्ता एजेंट हैं, उनको भी उनके मालिक से उनके काम कार्य के बदले में उनको कुछ ना कुछ मिलता है, लेकिन वो उनका सैलरी नहीं कहा जाता है, उसको वेतन शीर्षक में शामिल नहीं किया जाएगा। जैसे सपोज मैं टीचर हूँ, या कोई भी एक टीचर अपने सर्विस पीरियड में कहीं दूसरे स्थान पे जाकर कॉपी चेक करने, जैसे एग्जामिनेशन के बाद हम लोग बोर्ड की कॉपियाँ चेक करने जाते हैं, तो वहाँ से जो इनकम होता है वो भी आपके वेतन में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो भी तो आपको नगद राशि ही मिली। आपने अपना यहाँ जॉब करते हुए आप कहीं और गए, वहाँ से भी आपको प्राप्त हुआ, वो भी नगद राशि ही है, लेकिन नगद राशि होते हुए भी उसको वेतन में नहीं शामिल करके उसको अन्य साधनों से प्राप्त आय में शामिल किया जाएगा। अभी मैंने बताया ना कि इनकम टैक्स का जब वैल्यूएशन करते हैं तो उसमें कई तरह से देखा जाता है, जैसे वेतन से आए, मकान से आए, अन्य साधनों से आए, तो उसमें अन्य साधनों से आय शीर्षक में उसको रखा जाएगा, जो आपने कहीं अदर सोर्स से जो इनकम किया है। यदि नियोक्ता के द्वारा कोई कटौती की गई है, जैसे एम्प्लॉय को उनके सैलरी से जो प्रोविडेंट फंड होता है, जो पीएफ होता है, वो कटता है, तो उसको भी आपके सैलरी में शामिल किया जाएगा। 12% कटता है ये प्रोविडेंट फंड में, तो जितनी आपकी टोटल सैलरी है उसमें से प्रोविडेंट फंड डिडक्ट करने के बाद आपको इन हैंड मिलता है, तो जो इन हैंड मिला वो आपका सिर्फ वेतन नहीं है, आपके वेतन में जो आपको इन हैंड मिला और जो आपका प्रोविडेंट फंड में जितना आपका पीएफ कटता है उसको भी उसमें शामिल करके, दोनों को प्लस करके तब आपका वेतन होगा। जैसे मान लो कोई एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी 50,000 है, 50,000 है, हर महीने उसका पीएफ कटता है, उसने पॉलिसी करा रखी है, उसमें भी उसके पैसे कट जाते हैं, उसके सैलरी से चले जाते हैं, और सब कुछ कटने के बाद उसको 40,000 इन हैंड मिलता है, तो उसका वेतन 40,000 नहीं रहेगा, बल्कि 40,000 प्लस उसका जहां जहां कटा है उन सबको भी उसके वेतन में शामिल किया जाएगा। उसको इन हैंड 40,000 मिला, लेकिन उसका कुल वेतन कितना है? जितना कि पीएफ में गया या कहीं और गया, वो सब कुछ उसके वेतन में ही शामिल है, या उसको जो उसके नियोक्ता से, उसके ऑनर से उसको जो फैसिलिटी है, जो सुविधाएं मिल रही हैं, वो सभी उसी में शामिल है। देखिए, जो संसद के जो सदस्य होते हैं उनको भी मिलता है, उनको भी वेतन मिलता है, लेकिन क्या वो टैक्स भरते हैं, वो इनकम टैक्स देते हैं? नहीं, उनका तो जो उनको मंथली सैलरी मिलती है वो कर योग्य नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वेतन शीर्षक में हम उसी को शामिल करते हैं, जबकि जिनसे हमें आय मिल रही है उनके और हमारे बीच में नियोक्ता और कर्मचारी, यानी मालिक और कर्मचारी का रिलेशन होगा, तभी वहां से जो आय प्राप्त होगी उसको हम लोग वेतन में रखेंगे। चूंकि ये जो कर्मचारी सांसद लोग होते हैं, इनको ये सरकार की तरफ से जो भी इन्हें सैलरी मिलती है, इनको जो भत्ता मिलता है, उनमें और सरकार में मालिक और कर्मचारी का संबंध न होने की वजह से उनकी जो इनकम होती है उसको वेतन शीर्षक में न रखकर अन्य साधनों से प्राप्त आय वाले शीर्षक में रखा जाता है। कर मुक्त वेतन, कई बार क्या होता है कि बहुत सारी कंपनियां अपने एम्प्लॉय का टैक्स वो ही पे कर देती हैं, यानी कि एम्प्लॉय को टैक्स पे नहीं करना है, जितना उसको टैक्स पे करना था वो उतना कंपनी ने ही पे कर दिया,
तब भी उस व्यक्ति की सैलरी में, उसके वेतन में जितना कंपनी ने पे किया है उसको भी शामिल किया जाएगा, उसको भी जोड़कर तब दिखाया जाएगा। सेवा समाप्त होने के बाद यदि उसको कुछ प्राप्ति हुई है, जैसे आपने रिटायरमेंट ले लिया, उसके बाद भी आपको आपकी कंपनी से, रिटायरमेंट लेने के बाद भी आपकी कंपनी से आपको कुछ, आपकी संस्था से आपको कुछ इनकम हो रहा है, तो उसे भी यदि वो एनुअल इनकम जितना सरकार ने निर्धारित किया है कर सीमा उससे अधिक है तो वो भी कर योग्य आय के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि जहाँ से आपको प्राप्त हो रहा है वो आपका मालिक है और आप उसके एम्प्लॉय थे, इस वजह से ही आपको वहां से मिल रहा है। ठीक है। कर्मचारी और उत्तराधिकारी का भुगतान करें, यदि ड्यूटी पीरियड में काम करते हुए किसी कर्मचारी को, किसी एम्प्लॉय को चोट लग जाती है या उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उसके परिवार के सदस्यों को उसकी सैलरी के बराबर की राशि या जो भी उसके चले जाने की वजह से जो कंपनी से उसको प्राप्त होता है वो पूरी तरह से कर से मुक्त होता है, उस पर टैक्स नहीं लगता है। अगर कोई किसी दुर्घटना में एम्प्लॉय की कार्यस्थल पे मृत्यु हो जाती है और उसके मृत्यु होने की वजह से उसके परिवार को, उसके बच्चों को जो कुछ भी राशि कंपनी की तरफ से, संस्था की तरफ से दी जाती है उस पे सरकार कोई टैक्स नहीं लेती है। पेंशन पे, क्या पेंशन पे, पेंशन को वेतन से आय शीर्षक में शामिल किया जाता है या नहीं किया जाता है? तो पेंशन भी वेतन, चूंकि पेंशन आपको क्यों मिल रहा है, आप कहीं जॉब कर रहे थे, रिटायरमेंट आपने ले ली, इसके बाद आप उस संस्था में जॉब कर रहे थे, चाहे सरकारी थे या निजी क्षेत्र की किसी संस्था में जॉब कर रहे थे, इसी वजह से आपको पेंशन मिल रहा है, तो पेंशन भी वेतन के रूप में कर योग्य आय होती है। अगर पेंशन भी आपकी जितनी सरकार ने निर्धारित की है कितनी वार्षिक आय हो के बाद आपको टैक्स देना है, अगर उससे अधिक आप वार्षिक पेंशन पाते हैं तो वो भी कर योग्य शीर्षक में शामिल होता है। देखिए इसमें तो कई सारी चीजें शामिल होती हैं वेतन से आय शीर्षक में, लेकिन आपको मुख्य रूप से वही इतना समझना है कि वेतन यानी जहां भी आप जिस संस्था में काम कर रहे हैं वहां के मालिक के द्वारा उसके एम्प्लॉय को नगद धनराशि के अलावा जो कुछ भी सुविधाएं उस संस्था से प्राप्त हो रही जहां आप जॉब कर रहे हैं वो सभी वेतन शीर्षक के अंतर्गत आता है। यदि मान लो कि कोई किसी क्वेश्चन में दिया है कि पार्टनर्स को, पार्टनरशिप फर्म है वहां के किसी पार्टनर को उनके काम, पूरा फर्म संभालने के लिए उसको वेतन दिया जाता है, तो क्या ये वेतन में आएगा, ये वेतन शीर्षक में आएगा? नहीं, ये वेतन शीर्षक में शामिल नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि फर्म में क्या होता है, जितने पार्टनर्स होते हैं सबके सभी क्या होते हैं, फर्म के इक्वली उनका होता है, राइट होता है ना, वो सभी बराबर के हकदार होते हैं। तो जो फर्म को का संभालने के लिए किसी साझेदार को जो वेतन दिया जाता है वो वेतन शीर्षक में कर योग्य नहीं होता है, क्योंकि वेतन तब होगा ना जब मालिक और कर्मचारी का संबंध होगा, तो जब सभी पार्टनर है, सभी बराबर है, तो कोई किसी का मालिक और कर्मचारी नहीं है, चूंकि वो कार्य कर रहे हैं, संभाल रहे हैं, इसलिए उनको पारिश्रमिक के तौर पे दिया जा रहा है, लेकिन ये वेतन शीर्षक में इसको भी शामिल नहीं किया जाता है। कई बार कुछ लोग अपना वेतन स्वेच्छा से त्याग देते हैं, मीन्स जैसे राहत कोष के लिए आपने अपना वेतन स्वेच्छा से त्याग दिया, तो किसी कोई प्राकृतिक आपदा आई उसके लिए आपने अपनी सैलरी का 50%, 60%, 20%, 10%, 1% जो भी आपने त्याग दिया, तो क्या वो तो आपने त्याग दिया तो वो कर योग्य आय में आएगा या नहीं आएगा? उसको भी कर योग्य आय में शामिल किया जाता है, क्योंकि आपको तो कंपनी ने, आपको तो संस्था ने, चाहे आप केंद्र सरकार के एम्प्लॉय हैं या राज्य सरकार के हैं या किसी निजी क्षेत्र की कंपनी में कार्य कर रहे हैं, आपको तो वेतन मिला लेकिन आपने अपनी स्वेच्छा से उसका त्याग किया, इसलिए उसे भी वेतन में शामिल किया जाएगा। हाँ, यदि आपने उसको नहीं लिया, लेने से पहले ही मना कर दिया कि हमको भाई सैलरी नहीं चाहिए, जितना एग्रीमेंट हुआ है उसके हिसाब से हमें 50% नहीं चाहिए, हम लेंगे ही नहीं, हर बार हम चैरिटी कर देंगे, तो वहां पे फिर जब ने आपने लिया ही नहीं, बिल्कुल आपने साफ साफ मना कर दिया है, तब वो कर योग्य आय में नहीं आएगा। लेकिन आपको मिल रहा है, आपने अपनी स्वेच्छा से उसका त्याग किया है, तब वो कर योग्य आय में रहेगा। जो
महंगाई भत्ता वगैरह मिलता है एम्प्लॉय को कंपनी की तरफ से, वो भी कर योग्य आय में उसको भी शामिल किया जाता है। उसमें भी करे कि सेवा की शर्तों के अतिरिक्त मिला हुआ माना जाता है, जो महंगाई वेतन मिलता है आपने जितना काम किया उससे एक्स्ट्रा आपको मिला, तो उस पर प्रोविडेंट फंड आदि सब काटा जाता है और टोटल फिर उसमें भी इंक्लूड किया जाता है। स्टूडेंट्स, वेतन से आय इनकम फ्रॉम सैलरी में वेतन टॉपिक के अंतर्गत जो मुख्य बातें थी, क्या क्या चीज़ों का शामिल किया जाता है वेतन संबंध में, जितनी भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे कि इनको वेतन में शामिल किया जाए नहीं किया जाए, वो मैंने बता दिया। अभी लास्ट में ज़्यादा टाइम नहीं लेके 2 मिनट में मैं आप लोग को फिर से रिवाइज करा दे रही हूँ कि वेतन में जब हम लोग न्यूमेरिक सॉल्व करेंगे तो सैलरी में क्या क्या चीज़ें शामिल की जाती है। एक तो आपका मूल वेतन हो गया, जो आपको नियमित हर महीने मिलता है वो मूल वेतन या मजदूरी हो गया। बोनस या कमीशन जो आपकी संस्था की तरफ से आपको वार्षिक रूप से कभी कभी बीच बीच में मिलता है। जो महंगाई भत्ते वगैरह मिलते हैं उसको भी सैलरी में प्लस किया जाता है। अनुलाभ, अनुलाभ मीन्स जो संस्था की तरफ से आपको वेतन के अलावा जो सुविधाएं प्राप्त होती हैं, जैसे वाहन की सुविधा प्राप्त हो गई, मकान की सुविधा प्राप्त हो गई, चिकित्सा, ये सब अनुलाभ में आते हैं, तो इनको भी उसमें प्लस किया जाता है। अगर आपकी जो छुट्टियां बची थी अर्जित अवकाश का आपने उसका नकदीकरण किया है तो उसको भी सैलरी में प्लस किया जाएगा। और ग्रेजुएटी या एक मुश्त पेंशन, जो इकट्ठा पेंशन मिलता है रिटायरमेंट के बाद, बहुत सारी निजी क्षेत्र की कंपनियों में इकट्ठा जो आपका जितना पेंशन कटा था उसका मोस्टली भाग एक साथ आपका मिल जाता है और फिर बाद में पेंशन के रूप में बहुत थोड़ी थोड़ी राशि मिलती है। तो अगर एक मुश्त पेंशन आपको मिला, हर महीने आपको मिल रहा है, तो वो कर योग्य आय नहीं होता, उसको सैलरी में नहीं ऐड करते हैं। लेकिन एक मुश्त अगर आपको पेंशन मिला है, ग्रेजुएटी मिली है, तो इसको भी सैलरी में शामिल किया जाता है। और प्रोविडेंट फंड में जो हर महीने 12% का आपका डिडक्शन होता है उसको भी सैलरी में शामिल किया जाता है। अगर कुछ पैसा आपने अपनी स्वेच्छा से प्रोविडेंट फंड में हस्तांतरित किया, जैसे कुछ लोग डबल PF कटवा देते हैं, तो ये सभी चीज़ें वेतन से आय में शामिल किया जाता है। फिर मूल वेतन, फिर से एक बार बता रही हूँ, मूल वेतन है, महंगाई भत्ते जो मिल रहे हैं वो भी है, अनुलाभ यानी जो कि वेतन के अतिरिक्त जो अलग से सुविधाएं मिल रही हैं वो भी वेतन में प्लस किया जाएगा। अर्जित अवकाश से जो उसका आप यदि नकदीकरण कराएंगे, बहुत लोग लीव नहीं लेते हैं, उनका लीव बचा होता है वो बाद में कैश हो जाता है, तो वो भी आपका सैलरी में इंक्लूड किया जाएगा। ग्रेजुएटी या एक मुश्त पेंशन है वो भी आएगा, आपके जो प्रोविडेंट फंड में जो हस्तांतरित किया जाता है वो भी आएगा। तो स्टूडेंट, आई थिंक कि आपको सैलरी में क्या क्या आता है वेतन से आय में, यानी इनकम फ्रॉम सैलरी टॉपिक में, सैलरी का जब वैल्यूएशन करेंगे उसमें किन किन चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, उसमें ऐड करते हैं, वो मैंने आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।